ये स्कूल का एक सोशल प्रोजेक्ट था, तो जिससे के लिए हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जो हमारे नियर बाई विलेज से लोग हैं, फार्मर्स पर्टिकुलरली, तो हमने कोशिश की कि जो उनकी ये हार्वेस्टिंग के टाइम की प्रॉब्लम्स होती है, उनसे जानने की कि उनको क्या क्या इश्यूज इसमें आ जाते हैं। तो हमें पता चला कि इसमें जो कास्टिंग का कंपोनेंट उनका होता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से लेबर मंगाना पड़ता है। तो हमने मिल के एक प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाया कि विल ट्राई टू सॉल्व देयर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। वी कंसिडर एन आइडिया कि विल डिज़ाइन सम व्हीकल विच विल डू ऑल द फंक्शंस, जो सारे काम वो करे जो एक किसान को एक फार्म में चाहिए होती है। तो इस मशीन में जो मेन फीचर्स रहेंगे, इसमें एक टिलिंग का है इक्विपमेंट, दिस वन मशीन जिसमें सारे फीचर्स हमने कोशिश की है कि मर्ज करके इसको ले लें। तो टिलिंग से स्टार्ट होती है, देन इट हैज़ स्प्रेयर पंप, इसका एक रीपर रहेगा, इसका एक लेवलर होगा जिसमें सॉइल को लेवलिंग की जाती है। इसमें जो कश्मीर में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, दैट इज़ द वुड चिपर। जब विंटर का टाइम आता है तो फिर बागों में जो कटाई करते हैं उससे जो लकड़ी निकलती है, ट्विक्स निकलते हैं, तो उसके छोटे छोटे चिप बनाएगी वो, उसमें स्पेस कम लगेगा और कैरी करने के लिए भी वो इजी हो जाएगा किसान को। तो ये सारा कुछ हमने सोचा कि एक किसान को कम से कम टाइम में उसको ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकें। तो हमने इसमें आई थिंक 22 डेज़ का ये प्रोजेक्ट था हमारा। विद इन 22 डेज़ वी कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। अब हम इसको फील्ड ट्रायल के बाद अब हम इसको फील्ड में ले रहे हैं। तो क्योंकि हमने ये इसलिए बनाया था कि यहाँ का जो आम किसान है उसको जो खर्चा आता है एक नॉर्मल मजदूर का, वो उसका रिड्यूस हो जाए। जहाँ पे हमने एस्टिमेटेड एक कास्ट लिया था कि इट इज़ अराउंड 2000, 1600 टू 2000, 1600 से 2000 तक इनको पर कनाल का खर्चा आ जाता है। जब इस मशीन को यूज़ करेंगे तो उनका खर्चा सिर्फ कटिंग का 500 आएगा और बाकी जो उसमें टाइम के चार्ज होते हैं तो वो उसका अलग से जाएगा। दैट वुड मीन कि इनके कम से कम इसमें 700-800 रुपये पर कनाल के हिसाब से बच जाएंगे। और दूसरी खासियत इस मशीन की ये है कि ये एक कंज्यूमर का टाइम बचाएगी। इसकी कैपेसिटी है कि ये रीपिंग कर सकती है अप टू 60 कनाल्स पर डे। तो 60 कनाल का एरिया ये कवर कर सकती है। तो टाइम का कंस्ट्रेंट जो पहले होता था कि बारिश का ख़तरा है, अब इसमें वो नहीं रहेगा कि जब आपका मौसम ठीक है तो आप एक दिन में एक बहुत बड़े एरिया को सरू कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो उसमें कश्मीर का यूथ है, तो अब हमारे स्कूल से तो छोटे बच्चों ने किया, जो क्लास 5th में पढ़ते हैं, 4th में पढ़ते हैं, उनको हमने साथ लेके चले। तो जब वो कर सकते हैं तो जो ग्रोन अप हैं, जिनका बीए है या प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, तो उनको भी एक बार सोचना चाहिए था कि हाउ कैन दे पुट देयर क्वालिफिकेशंस टू द यूज़ सो दैट सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज़ बेनिफिटेड। देखिए, हम इंशाल्लाह इस साल जा रहे हैं मिडल ब्लॉक में, तो मिडल के लिए हमारा एक डिफरेंट प्रोसीजर रहेगा एडमिशन्स का। उसमें बेस ही प्रोजेक्ट पे रहेगा कि मैं बेसिकली आई जस्ट वांट ए रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है उसमें रेवोल्यूशन आ जाए। यहाँ के सभी लोग जो उलझे हुए हैं, दैट्स विद द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कापियों को उस पेज लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते। अगर आप यूरोप को देखेंगे या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका कैरिकुलम कैसे होता है, इवन जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी इसी चीज़ को लेके फोकस है। देखिए, हमारे स्कूल के 3 मेन पैरामीटर्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। नंबर 1 इज़ एकेडमिक एक्सलेंस। ये पहला वाइट स्कूल है जिसने यहाँ ऑनलाइन कंटेंट शेयरिंग स्टार्ट किया था। तो अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल हैं, तो मैं अच्छा कहता हूँ कि दे हैव डन वंडरफुल जॉब, उनने हमसे अच्छे कंटेंट क्रिएट किए। तो ये हर स्कूल को अडॉप्ट करना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज़ जो ये स्कूल स्पेशली कर रहा है, दैट इज़ अ रिसर्च। रिसर्च पे हमने अभी तक 4-5 साल में, बीच में जो लॉकडाउन का पीरियड भी आया, वी हैव स्टार्टेड रिसर्च प्रोग्राम्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अभी जो हमारा करंट रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ अबाउट द जेंडर रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ बारामूला। उसमें हमने डेटा कलेक्शन की है, बच्चों ने गाँव गाँव में जाके, वी हैड अ टारगेट ऑफ 300 फैमिलीज, सैम्पलिंग हमने की। तो देखिए, हमें बच्चों को ये सब सिखाने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ द इनोवेशंस। आई डोंट फील कि आज की डेट में किसी को भी फ्यूचर में जॉब मिलेगी अनटिल वो इनोवेटिव हो, उसमें वो टेक्निकल स्किल्स हो। तो वो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ कि इनका जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क्स। बाकी जो हमारा स्टेट कैरिकुलम होगा वो तो फॉलो करना ही करना है,
बट आवर फोकस विल बी अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक एक्सलेंस रिसर्च एंड दिस इनोवेशन द थ्री विल बी द कोर ऑफ दिस स्कूल. तो आगे जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वी विल बी डूइंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स. जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज़ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 6, 7, 8 उनके लिए हमारा अलग से प्रोजेक्ट रहेगा. और हर बच्चा इसमें आप देखेंगे दे विल बी लाइक अ वंडर किड्स एज वी हैव अ प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ सुपर किड. तो मैं चाहता हूँ कि वही सुपर किड हमारे बन जाए ताकि इस सोसाइटी में जब हम हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कम से कम हमारी वो सिचुएशन ना हो और हमारा जो बच्चा हो बचपन से इंडिपेंडेंट हो. और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि दैट इज़ अबाउट मेकिंग आवर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट. तो थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स दे विल बी अर्निंग अ लिटिल अमाउंट जिससे उनका साल भर का ट्यूशन फीस कम से कम वो अर्न कर सके ताकि इनको सेंस ऑफ अर्निंग्स एंड सेंस ऑफ स्पेंडिंग अर्ली एज से आ जाए. दे हैव टू डू ऑनली स्मॉल प्रोजेक्ट्स उसके लिए भी हमारे हैं बहुत सारे ऑप्शन. इंशाल्लाह वंस वी रीच टू द लेवल तो अ डे विल बी देयर जब आप फिर मेरे पास वापस आएंगे कि सर आपने सच में ये बात करके दिखाई. सर फिर तो कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक मुसीबत ये है कि जब मिमिक्री कोई चीज़ होती है कोई कॉमिक शो होता है तो लोगों को बेसिकली उसके साथ इंटरेस्ट है. मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो गलत है या सही है दैट्स देयर पर्सनल चॉइस. बट वंस वी टॉक ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इज़ नॉट बाय द ओपिनियन ऑफ लाइक जैसे लोग ओपिनियन रखते हैं क्योंकि दिस इज़ समथिंग जिसे कौम की तकदीर बदल सकती है. तो मैं ओपिनियन के बेस पे कभी नहीं जाता लोग क्या सोचे इसके बारे में क्योंकि हमारा विजन है वी हैव पीपल एसोसिएटेड विद अस हु आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अब्रॉड. उन सब के साथ हमारा एक रिलेशनशिप रहता है कि हाउ कैन वी प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द सोसाइटी. तो इदारा छोटा होने का मतलब कभी ये नहीं हुआ कि हम क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते. आई जस्ट एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि जो हमारे बच्चों ने अभी तक किया है अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन चाहे यूट्यूब पे आप देखें फेसबुक पे देखें तो दिस ऑनली स्कूल विच हैज़ डन मार्वलस जॉब इन 4-5 प्रोग्राम्स. वी हैव साइंस क्लब उसमें बच्चे साइंस पे स्पीच देते हैं फ्रॉम क्लास फर्स्ट. हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है हमारा डिस्कशन होता है. वी डोंट हैव क्लास में यो फर्स्ट रो सेकंड रो सिस्टम नहीं है इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन रूम्स. स्टूडेंट इज लर्नर हियर और उससे हम वही काम कराते हैं जिसके लिए वो यहाँ पे आया होता है. सो दे हैव डन बेटर थिंग्स चाहे साइंस के चीज़ें हों चाहे प्रोजेक्ट्स हों चाहे रिसर्च का काम हो. तो दिस इज़ द होल एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसे माहौल में डाला जाए ताकि उनके आने वाले मुस्तकबिल के जो चैलेंज इतने ख़तरनाक उनके लिए हैं क्योंकि नाउ वर्ल्ड इज़ ग्लोबल मार्केट. आप कभी ये नहीं समझेंगे कि यहाँ फॉरेन से कोई काम करने के लिए नहीं आएगा यहाँ कोई दूसरी स्टेट से यहाँ काम करने के लिए नहीं आएगा. हमारे पास चैलेंज बहुत ज़्यादा है और हमें बच्चों को उस फ्यूचर के लिए तैयार करना है विच इज़ फिल्ड विद चैलेंज एंड टेक्नोलॉजी.